आज कितने महीने बाद मैं निकली हूँ शॉपिंग के लिए। बिग बाज़ार आई हूँ, देखते हैं यहाँ क्या क्या मिलेगा। अभी तो कुछ दिन पहले ही ये रीओपन हुआ है, आई थिंक मार्च के बाद आज कुछ दिन पहले खुला है, तो मैंने सोचा जाया जाए, शॉपिंग किया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया शॉपिंग किए हुए। लेकिन देखिए सब सारे शेल्फ खाली हैं, लोग भी बहुत कम हैं, अभी थोड़ा मेसी भी है। मैं वैसे स्ट्रिक्स की मैं सीरम ढूंढ रही हूँ, हेयर सीरम, मुझे वो चाहिए, मेरा सीरम ख़त्म होने वाला है, तो मैं सीरम ढूंढ रही हूँ। वैसे और भी कुछ शॉपिंग करनी है, तो इसीलिए मैंने सोचा बिग बाज़ार ही बेस्ट रहेगा। मैं जनरली शॉपिंग बिग बाज़ार से ही करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है शॉपिंग करना। मैं मेरा दिल करे तो मैं एवरी डे शॉपिंग जाऊँ, बट बिकॉज ऑफ बजट, यू नो बजट बिल्कुल नहीं ये कितना अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है मुझे। बिग बाज़ार की प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है हर कुछ में। मैं ड्रेसेस भी यहीं की पहनती हूँ, बहुत सारी प्रोडक्ट मैं यहीं की यूज़ करती हूँ, सिर्फ मुझे बिग बाज़ार बहुत पसंद है, यहाँ के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। तो मैं ग्रॉसरी, फूड मटेरियल सब कुछ यहीं से लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि यहाँ की बहुत फ्रेश रहती है सब कुछ। ग्रॉसरी तो काफ़ी बेटर रहती है, जनरल स्टोर से काफ़ी बेटर रहती है यहाँ की ग्रॉसरी। वैसे मैं आज कुछ ड्रेसेस लेने वाली हूँ, कुछ फूड आइटम्स भी लूँगी, देखती हूँ अभी क्या क्या मेरी पसंद की चीज़ें हैं अभी अवेलेबल। वैसे ऑलमोस्ट सेल्फ तो बहुत ही खाली हैं, अभी फिल नहीं हुआ है, समझ सकते हैं काफ़ी टाइम बाद ओपन हुआ है, तो अभी इसे मेंटेन करने में काफ़ी टाइम लगेगा, बट अभी देखती हूँ जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हीं में से कुछ लिया जाए, देखते हैं। कुछ चॉकलेट्स भी लूँगी, क्योंकि चॉकलेट्स मेरे फेवरेट हैं। और ये वेफर्स तो मैं बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा खाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा वेफर्स खाती हूँ मैं। ये तो लूँगी ही डेफिनेटली, ये तो लेना ही है मुझे ये लूँगी मैं, ये बाय वन गेट वन में ही रहता है हमेशा। वैसे काफ़ी अच्छा रहता है ये, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं बिग बाज़ार आऊँ और ये ना लूँ इम्पॉसिबल है, तो मुझे तो लेना है ये। इसकी टेस्ट भी अच्छी होती है काफ़ी, अगर आप लोगों ने ट्राई किया है तो ज़रूर बताएं मुझे आप लोगों को कैसा लगता है ये, आप लोगों को पसंद है या नहीं है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत ही ज़्यादा खाती हूँ ये। इसके सारे फ्लेवर्स ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किए हैं, ऑलमोस्ट 5-6 फ्लेवर्स आते हैं, मुझे सारे ही पसंद है। इधर की स्पेस तो बहुत ज़्यादा ही अभी खाली खाली सी लग रही है, ये देखें ऑलमोस्ट खाली ही है, ये सारे स्पाइसेस एंड ऑल की है। इधर बहुत ज़्यादा खाली, अभी रिफ़िल होना बाकी है, अभी तो क्लीनिंग चल रही थी बहुत सारे जगह पे, बहुत सारी क्लीनिंग चल रही है, क्योंकि इतना टाइम बाद गंदा तो हो ही जाता है। और ये ग्लास बॉटल आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, मेरी सेटअप की वीडियो, अगर नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें। ये ग्लास बॉटल वैसे मैं बिग बाज़ार से ही ले गई थी, यहाँ बहुत अच्छे रेंज में मिल जाते हैं और ये बहुत अच्छा है। और ये देखें ये कप मुझे बहुत अच्छा लगा, उसकी मैसेज काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मोटिवेशन वाले लाइंस हैं, ये कप मुझे बहुत अच्छी लगी, इसके लाइंस भी काफ़ी अच्छे हैं, मोटिवेशन वाले लाइंस हैं, वेरी प्रिटी। वो लाइंस पढ़ के मैं तो काफ़ी मोटिवेटेड हो गई। मैं सारी बाकी के सारे फ्लोर्स मैंने चेक कर लिया है, अभी देखती हूँ और भी कुछ है यहाँ तो मैं देखूँ ज़रा उसे भी। अभी तो नीचे जा रही हूँ, देखो ज़रा कैसा है सब। आई थिंक ये कपड़े की सेक्शन है, मैं इसमें जाना भूल गई थी, मैं डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर से ऊपर चली गई थी। वैसे अभी लिफ्ट बंद है, अभी लिफ्ट यहाँ की क्लोज्ड है, आप लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते, आपको स्टेयरकेस ही यूज़ करना होगा। बहुत सारी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन है, फॉलो तो करना ही होगा, अब ऐसी प्रॉब्लम है तो।
यहाँ पे टेरी है, टेरीज मुझे बहुत पसंद है, मुझे सॉफ्ट वॉइस बहुत ज़्यादा पसंद है और ऑफ़र्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारे प्रोडक्ट पे ऑफ़र लग गए हैं। ये टेरीज है यहाँ पे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये सारे, मुझे तो सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं चाहूँ तो मैं तो सारे के सारे परचेस कर लूँ बट नहीं कर सकती। और इधर पेन पेंसिल से स्टेशनरी है उधर, और इधर डॉल्स हैं, डॉल्स बाबी डॉल्स, ये भी मुझे बहुत पसंद है। अभी कहीं कहीं पे सामान थोड़े बिखरे हुए भी हैं, ये देखें, ये नो ट्रायल नो एक्सचेंज, ट्रायल नहीं कर सकते। मैंने भी कुछ ड्रेसेस ली हैं, मुझे ट्रायल नहीं करने दिया गया क्योंकि अभी नहीं ले सकते। ये वाला भी हम लोगों ने परचेस किया है, ये बहुत ही खूबसूरत है ये ड्रेस, ये बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस है ये वाला लिया है। और भी ड्रेसेस लिए हैं, कुर्ती एंड ऑल, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं यहीं की कुर्ती ये सब पहनती हूँ, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, क्लासी एंड कंफर्टेबल, बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है यहाँ की ड्रेसेस। मैं मेरी ज़्यादा ड्रेसेस बिग बाज़ार की ही होती हैं। इतने महीनों बाद आज शॉपिंग करके वो भी अपने फेवरेट प्लेस पे बिग बाज़ार में, मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली चीज़ें परफेक्ट हो गई हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है एंड फाइनली बैक टू नॉर्मल लाइफ, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। अजीब सी ज़िंदगी हो गई थी, बहुत ही नेगेटिविटी एंड ऑल, अब बहुत ही पॉजिटिव है एंड सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, अब अच्छा लग रहा है बहुत। इतने दिनों में मैंने शॉपिंग को बहुत ही ज़्यादा मिस किया है, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शॉपिंग करके। यहाँ पे डिनर सेट है, इसमें ये डिनर सेट हमारे पास एक दो मैं यहाँ से ले गई थी, जिसमें से हाँ ये वाले, यस या ये वाले डिनर सेट मैं लास्ट ईयर ले गई थी, ये अभी मैं फ़िलहाल यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छे हैं, मैं लास्ट ईयर से यूज़ कर रही हूँ, अभी तक वैसे ही है, ये बहुत अच्छे लगे थे मुझे उस टाइम, तो मैं ले गई थी, लास्ट ईयर की है ये बहुत अच्छी है, ये वाले ले गए थे हम लोग यहाँ से। और इधर यही सब हैं, और फिर और यहाँ पे बहुत सारे ग्लास हैं जो हम लोगों को बहुत पसंद आई थी, और इनमें से बहुत सारे हम लोगों ने परचेज़ भी किया था। आई थिंक ये सब की परचेजिंग हमने लास्ट ईयर की थी।